आज हम बना रहे हैं वेज कीमा। इसके लिए मैंने पैन में पानी बॉयल होने रख दिया। करीब मैं 100-150 ग्राम जितना सोया ग्रैनुल्स ले रही हूँ। मैंने पानी बॉयल करने रखा, इसमें ना मैं नमक डाल रही हूँ। ये 100-150 ग्राम जितना है, आप अपनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। ये सोया ग्रैनुल्स है, इसको हम बॉयल्ड वाटर के अंदर डाल देंगे। 1/4 टीस्पून सोया सॉस डाल देंगे साथ, बॉयल होती जगह पे। इसको अच्छे से हिला देंगे और गैस बंद, बॉयल हो गया था वाटर, ये रेडी भी हो गया, बस इसको डाल दिया। अब इसको गैस को बंद कर देते हैं और इसको करीब 2 मिनट के लिए ढक देंगे। थर्ड हम उसको फ्राई करने के लिए तैयारी करते हैं। हो गया, गैस मैंने बंद कर दिया, अब इसको मैं ड्रेन कर लूँगी। ये देखिए फूल के रेडी हो गया है। ये ड्रेन करके थोड़े साफ पानी से मैं इसको धो लूँगी और साइड बाय साइड मैं तड़के की तैयारी करती हूँ। तो मैंने ऑयल रख दिया है एक कढ़ाई के अंदर, थोड़ा सा जीरा क्रैकल होने का वेट करूँगी, 2 लौंग, 2 साबुत लाल मिर्च तोड़ के, 2 मोटी इलायची, दालचीनी का छोटा टुकड़ा, 2 छोटे तेज पत्ते। और ये आज मेरे पास इलायची साबुत नहीं थी, इसलिए मैं पिसी हुई है मेरे पास थोड़ी सी ग्रीन वाली इलायची जो होती है, उसको हम बाद में डालेंगे। मेरे पास अब पिसी हुई अगर साबुत होगी तो हम इसी स्टेज पे डाल देंगे। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का और हरी मिर्च का पेस्ट डाल रही हूँ 2 चम्मच भर के। फ्रेशली चॉप किया है मैंने ये। ये 2 प्याज फाइनली चॉप कर लिए मैंने, इसको भी डाल दूंगी। इसको भी भून लेते हैं, कैरेमल कलर का भूनेंगे इसको, ब्राउन हो जाए जो। साइड बाय साइड ये 2 चम्मच मैंने बड़े वाले, ये मैंने दही लिया है, इसके अंदर हम मसाले डाल लेंगे। सूखा धनिया डालूंगी 1.5 चम्मच, कश्मीरी रेड चिली पाउडर 3/4 टेबल स्पून डालिए मैंने, और थोड़ा सा हल्दी डालेंगे 1/4 टेबल स्पून। जीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून। किसी भी कंपनी का आपके पास किचन किंग है तो आप किचन किंग भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून किचन किंग डाल रही हूँ। और अगर आपकी चॉइस हो तो आप मटन मसाला जो आता है वो भी 1 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं। मैं डाल रही हूँ इसको, ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं डालिए, नहीं डालना चाहते मत डालिए। 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला भी डाल रही हूँ। गरम मसाला क्योंकि हमने साबुत डाला है इसलिए हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। और 1 टेबल स्पून भर के कस्तूरी मेथी क्रश करते हुए डालिए। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे दही के अंदर। जितने हमारे मसाला तैयार होगा इतने ये मसाले भी रेडी हो जाएंगे। ये देखिए प्याज भून चुके हैं। अब इसमें थोड़ी कसूरी मेथी हम इस प्याज के अंदर भी डाल देंगे, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और एक सीक्रेट और बता रही हूँ मैं आपको, इसी स्टेज के ऊपर इसके अंदर थोड़ी सी चीनी 1/2 टेबल स्पून जितनी चीनी ये डाल दीजिएगा। इसका कोई टेस्ट नहीं है लेकिन ये टेस्ट को बैलेंस करता है। मेरा सीक्रेट है इसके अंदर वेज कीमा बनाने के लिए। टमाटर डाल देंगे, मैंने 3 टमाटर क्रश करके लिए हैं वो डाल देंगे। मैंने नमक अभी तक नहीं डाला है, नमक इसमें टेस्ट पे डलेगा जो मैं आपको अभी बताऊंगी, इसके लिए आप पूरी रेसिपी देखिएगा। इसको टमाटर को भी अच्छे से भून लेते हैं, 2 से 3 मिनट करीब टमाटर को भी भून लेंगे जिससे टमाटर गल जाए। देखिए टमाटर हो गए हैं, गैस को सिम कर लेंगे। 2 मिनट करीब टमाटर भी गला लिए,
अब इसके अंदर ये मसाला डाल दूँ। पहले हम इसके अंदर वो इलायची जो हमने रखी हुई थी वो डाल देंगे। अगर साबुत होगी तो हम पहले ही डालेंगे। इस स्टेज के ऊपर हम मैंने इलायची भी डाल दी है, इसका भी एक अपना फ्लेवर आएगा। अब ये कर्ड भी इसके अंदर डाल देंगे। इसको भी अब हिलाते रहेंगे जब तक कि ये कर्ड भून नहीं जाती अच्छे से, घी नहीं छोड़ देती, तब तक हम इसको चलाते हुए भून लेंगे अच्छे से। मसाला अच्छे से भून गया है, देखिए ये घी छोड़ दिया इसने मसाले ने। इसके अंदर ग्रैनुल्स को हम जो हमने ड्रेन कर लिया था उसको डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। मिक्स हो गया है, अब इसमें करीब 3 से 4 टेबलस्पून पानी डाल दिया है मैंने। कर देंगे अच्छे से। आप चाहें तो इसमें फ्रोजन मटर भी आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं डालिए। अब बाउल जितने मैंने फ्रोजन मटर डाल दिए आपकी चॉइस है, आप डालना चाहते हैं डालिए, नहीं भी डालना चाहते तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, वैसे ज़्यादा अच्छा बनता है, दोनों ही इस रेसिपी से अच्छा बनता है। इसको ऐसे करते हुए करीब हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, फिर हम देखते हैं आगे का प्रोसेस। अब इसको 5 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे। रेडी हो गया ये, इसके जितना देखने में टेम्पटिंग लग रहा है उतना खाने में बहुत टेस्टी है ये वेज कीमा। आप इसको एक बार खाएंगे तो आप एक्चुअल नॉनवेज वाला खाना भूल जाएंगे। अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला, अब हम टेस्टी इसमें नमक डालते हैं स्वाद अनुसार। मैंने 1 से 1.25 चम्मच डाल दी, थोड़ा सा 1 से ज़्यादा डाला है, आप अपनी क्वान्टिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छे से हिला देंगे। इसको हम सर्व करते हैं, अब इसको धनिया से गार्निश कर लेंगे। और इसको सर्व करते हैं, पाव के साथ सर्व करेंगे या किसी, पहले मैं आपको ऐसे ही सर्व करके दिखाती हूँ, फिर मैं इसको पाव के साथ सर्व करूँगा। वेज कीमा रेडी है। इस रेसिपी से एक बार बना के आप ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा बना। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।